सोलन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और व्यवसाय दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। यही कारण है कि सोलन का प्रत्येक व्यापारी चिंतित है। सोलन का मुख्य बाजार हो या सोलन के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सभी पूरी तरह से खाली नजर आते थे। कभी ये कॉम्प्लेक्स युवा ग्राहकों से गुलजार हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ मात्र चंद ग्राहक ही नजर आते हैं। दुकानों पर पहले अच्छी सेल होने के कारण युवाओं को रोजगार भी मिल रहा था, लेकिन अब बाजार आई मंदी की वजह से उनका रोजगार भी खत्म हो रहा है। दुकानों के खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि उन्होंने व्यवसाय आरंभ करने के लिए बैंकों से लोन लिया था, लेकिन मंदी के चलते किस्तें तो दूर, घर का खर्च तक चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि ग्राहक कोरोना के डर से घर के बाहर नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से व्यवसाय न के बराबर हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनका कॉम्प्लेक्स युवाओं के दम पर चलता था, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण बाजारों की रौनक खत्म हो चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि जब सब कुछ खुल चुका है तो शिक्षण संस्थान भी खुल जाने चाहिए और कोरोना की वैक्सीन भी जल्द आनी चाहिए, तभी उन्हें मंदी से छुटकारा मिल सकता है। सर, अगर अभी बताएं तो आपको काम आजकल तो बहुत डाउन है, कोरोना करके देखो काम नहीं है। बाकी ऐसा है कि काफ़ी छूट देने के लिए भी बोला था सरकार ने, पर वो कुछ ऐसा है नहीं, मिला नहीं हमारे को, कोई छूट नहीं मिली। पर चलो, हमारे आनंद कॉम्प्लेक्स वाले जो हैं, हमारे सर वगैरह, उन्होंने एक महीने की हमारे को रियायत करी, चलो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी तो क्या बोल सकते हैं, काम तो ऐसा ही है, लगभग सभी जगह ऐसा ही है। आज तक हमने ऐसी कंडीशन कभी देखी नहीं थी, बट अब देख लो जहाँ चल रहा है। क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, कुछ नहीं बोल सकते अभी तो। देखो, सरकार से मांग तो क्या ही करेंगे अब, क्योंकि पहले भी सरकार ने बोला था कि आपको रेंट वगैरह सारे माफ़ कर दिए जाएंगे, ये है वो है, बहुत कुछ बोला, ठीक है। पर उसके चलते, कोरोना के चलते, धीरे धीरे सब चीज़ें ऐसी हो गई है। बाकी तो जो भी छूट मिली हमारे को, हमारे मालिकों की तरफ से मिली है, जिन्होंने हमारे को रेंट पे दुकानें दी हैं। और काम के इतने बुरे हाल हैं कि भाई रेंट निकालने मुश्किल हो रहे हैं। मैक्सिमम ऊपर वाले फ्लोर पे तो बिल्कुल काम नहीं है। काम के इतने बुरे हाल हैं कि कुछ नहीं बोला जा सकता अभी तो। एक तो स्टूडेंट्स नहीं है, क्राउड इस वजह से भी काफ़ी कम है, तो ज़्यादातर आनंद कॉम्प्लेक्स की मार्केट जो है स्टूडेंट पे ही निर्भर है, बाकी तो आपको पता ही है। ये तो स्पष्ट ही है कि जब से कोरोना आया तो स्थिति खासकर व्यापारियों की तो काफ़ी ख़राब ही चल रही है। और अगर आप काम के बारे में पूछे तो पहले की अपेक्षा काम अब 15-20% ही काम बचा है मार्केट में। बट होप है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए, ताकि फ्लो ऑफ बड़े मार्केट में वॉकिंग बड़े पब्लिक की, कस्टमर की। सरकार और प्रशासन से कोई खास सहयोग तो मिला नहीं, खासकर व्यापारियों के लिए तो कोई सहयोग था नहीं जी इसमें। हाँ जी, क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद ये रखते कि कोई सरकार हेल्प करे व्यापारियों की फाइनेंशियली, या EMIs में थोड़ा और रिबेट मिले आगे आने वाले समय में। बैंकिंग की जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा और हमें रिबेट दिया जाए। तो अभी तो काम बहुत ही स्लो ही है, और आने वाले समय में भी अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अब आपको पता ही है, जैसे कि कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है व्यापारियों की। फुटफॉल कॉम्प्लेक्स में अब है नहीं, और पब्लिक की भी बाइंग कैपेसिटी अब ख़त्म हो चुकी है। उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो मतलब वेस्ट कर पाए इस समय, या कोई परचेज कर पाए एक्स्ट्रा। जैसे आपको पता है, आनंद कॉम्प्लेक्स यूथ का कॉम्प्लेक्स माना जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम यूथ आता है। तो जब उनके पास पैसे नहीं होंगे, पॉकेट मनी नहीं होगी, तो वो बेचारे स्पेंड भी कहाँ से करेंगे।